Welcome to Time News Studios. You are watching 2 p.m. Bulletin. गिलगित बल्तिस्तान जी कानून साज असेंबली लाए वोटिंग जो अमल जारी 24 मां 23 तकन ते पोलिंग जो अमल बिना वक्फे जे शाम 5 वगे तई जारी रहंदो। चूंडुन लाए पीटीआई पीपल्स पार्टी ए नून लीग जा उम्मीदवार मैदान ते लथल। रत जमाइंदड़ थद बरसात ए बर्फबारी बावजूद वोटर्स जो पोलिंग स्टेशंस बाहरां ड्रिघियूं कतारूं। 1260 पोलिंग स्टेशंस मां 503 मर्दन 395 औरतुन लाए मुख्तस। इंतजामिया 297 पोलिंग स्टेशंस हसास 280 इंतहाई हसास करार दई छड्यूं। सिक्योरिटी लाए 13,481 अहलकार मुकरर। कोरोना एसओपी तहत वोटर्स के 6 फुटन की विथि बरकरार रखने की हिदायत। 7 लख का वधिक वोटर्स वोट जो हक इस्तेमाल कर रहा हैं। 98 सालन जो पीरसन शख्स शाबान भी वोट कास्ट करने लाए पहुंची वह। ब 2009 में गिलगित बल्तिस्तान में सूबे जेड़ो ढांचो मुतारफ कराया वो। कानून साज असेंबली लाए ट्यों भेरों चूंड दंगल थी रो है। पेरी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी 15 सीटू हासिल करे हुकूमत ठाई। JUIFA नून लीग ए काफ लीग के 2 सीटू मिलियं। 2015 में नून लीग 16 सीटू खटी अक्सरियत से हुकूमत ठाई हुई। इन भेरे गिलगित बल्तिस्तान से केर राज कंदो सभी के नतीजन जो इंतजार। FIA जहांगीर तरीन SNS पुट अली तरीन खिलाफ 4 अरब 35 करोड़ की मुबैना कॉर्पोरेट फ्रॉड जो केस दाखिल कर छो। FIR के मतन मौजिब जहांगीर तरीन पैंजी शुगर मिल्स में 80 रुपये की रकम गैर कानूनी तौर GKT फार्मिंग कंपनी के मुंतकिल कई। जहांगीर तरीन ए अली तरीन 2013 में पब्लिक पार्टनरशिप के धोखो दई 4 अरब 35 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग कई। मुल्तान में एंटी करप्शन इल्ज़ाम हेठ नून लीग के अगूणे MNA मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर के गिरफ्तार कर वरतो। नून लीग कारकुन जो एहतजाज। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज अब्दुल गफ्फार डोगर की गिरफ्तारी की मुजम्मत कंदे है त सिलेक्टेड हुकूमत भले केड़ा भी हरबा इस्तेमाल करे कारकुनन जा हौसला कमजोर न थींदा। अब्दुल गफ्फार डोगर जो डोह यो आहे त हुन नवाज शरीफ के बयानी जो अलम बुलंद कयो। जडे नवाज शरीफ जेड़ो अवाम जो चूंडल वजीर आजम हुजे त 126 दिन जो धरणो भी नाकाम थींदो आहे। जडे सिलेक्टेड हुजन त रुगो जलसन सा ही सनन यंगू डकण शुरू थी वेंदियो आहे। पंजाब के वड़े वजीर उस्मान बोजदार जो चवण है तो ऑपोजिशन नाकारी सियासत करे पेंजी साख खत्म करे छड़ी है। कौम जो पैसो लुटिंदड़ अवाम के गुमराह नथा करे सगन। ऑपोजिशन धुरन कौमी मफादन के दाव ते लगाए पाकिस्तान सा दुश्मनी कई। अवाम करप्ट मानून का वाकिफ है। ऑपोजिशन जी वावेला नाकाम थी। मुल्क में कोरोना वायरस वधिक 32 इंसानी जानू खसे वरतियों। 24 कलाक दौरान PTI MNA डॉक्टर आमिर लियाकत समेत 2443 शहरी वायरस में वटिजी वया। NCOC मौजिब गुजरल नी 39,410 टेस्टू कई व्यूं। कोरोना टेस्ट मुस्बत अचण की शरह 4.2% रही। मुल्क में एक्टिव केसिस जो तादाद 26,538 है। डॉक्टर आमिर लियाकत की हालत खराब थियण ते खेस अस्पताल मुंतकिल कर।
सिंध के सामुंडी बेटन बाबत सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने खिलाफ़ सिंध एक्शन कमेटी के सर से गवर्नर हाउस कराची आडो अज एहतजाज जो तैयारियों मुकम्मल। सनान कुरेशी की अगवाणी में जिसकम जो काफिलो गुलशन हदीद में रवानो। SUP सिंध तरक्की पसंद पार्टी, अवामी तहरीक, अवामी जमहूरी पार्टी और बी पार्टियों रैली कढ़ी बी वगे गवर्नर हाउस आडो एहतजाज रिकॉर्ड कराई। हुकूमत अमल छो ना कर छो न अवां खिलाफ़ कार्रवाई कई वे। सिंध के तालीम वाले सेक्रेटरी हुकुम नज़रअंदाज कंदड़ छह डिवीजन्स के डायरेक्टर्स के सुभाने कराची तलब कर वरतो। सेक्रेटरी तालीम डायरेक्टर्स का SNE के हवाले से रिकॉर्ड तलब कयो हो पर डायरेक्टर्स रिकॉर्ड पेश न कयो। वज़ीर आज़म इमरान खान जो चवण है असा पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी जा पक्का सबूत पेश कर छड़ा। हाने दुनिया इन सबूतन की मौजूदगी में वधिक खामोश या लातालुक न थी रही सके। उम्मीद कयूं था त आलमी बिरादरी दहशतगर्दी के खात्मे ए पाकिस्तान में हजारे मासूम इंसानन के कातलन के अंजाम तक पहुँचाने के लिए भारत के मजबूर कंदी। ट्वीट बयान में वज़ीर आज़म चयो त असांजी बहादुर एजेंसीज ए फौज पैंजन मान के तहफ़ खातिर पैंजो सब कुछ कुर्बान करण जो अज़्म कर रखियो आहे। असां पैंजी सरजमीन की हिफाजत करण जानूं था केंके भी शक न होजन घुर्जे। इज्तमाई कौमी अज़्म सा मुल्क के दिफा जो फर्ज निभाईंदा रहंदासीं। पाकिस्तान सुपर लीग 5 जो कराची में मेलो जारी। अज मुल्तान सुल्तान्स ए लाहौर कलंदर्स विच में दंगल थींदो। कराची किंग्स अगली फाइनल लाइ क्वालिफाई कर चुकी है। याम साहब में गुजरल नी अगवा करे बाहर ही साड़ल नींगरी निमरा रिंद जी आलिन अखिन सा तदफीन। पुलिस जवाबदार गिरफ्तार करण में नाकाम। वाक़े खिलाफ निमरा रिंद के वारसन सिविल सोसाइटी जो एहतजाज। जैकबा के इलाके गढ़ी हसन में नंढी उम्र की न्याणी के विक्रो कर परणाने की कोशिश नाकाम। पुलिस जो नींगरी के निकाह दौरान छापो। 13 साल की सादिया सरकी घोट ए संदन वालदेन के हिरासत में वही थाने ते मुंतकिल कर वो। वाक़े जो नींगरी के पी गुलाम अली सरकी ए निकाह पढ़ाईंदड़ मौलवी समेत 6 जणन ते केस दाखिल कर। शिकारपुर के इलाके हमायूं शरीफ भरसां संगावती तकरार ता भया बिरादरी के बिंधुरन में छेड़ो। फायरिंग में नौजवान मीर हसन भयो मारजी वो। धुरन में छिकताण सबब शहर में खौफ हिरास। नूरियाबाद वेझो नियातल शख्स जो चिचरल लाश मिलो। पुलिस लाश अस्पताल मुंतकिल कर जांच शुरू कर छी। दहरकी में पुलिस गर्दी एक नौजवान के डोहारी जणाए हाफ फ्राई करण बाद अस्पताल में कवरेज लाए पहुतल। टाइम न्यूज़ के रिपोर्टर आज़म सुरयाणी ते वहशियाणो तशद्दुद। पुलिस कैमरामैन का कैमरा भी फुरे वरती। सहाफिन पारा SHO सदोरो लाशारी ते आज़म सुरयाणी के अस्पताल में कार ते खंभे तशद्दुद करण जो इल्ज़ाम। मुकाबले की खबर मीडिया से अचण बाद पुलिस हाफ फ्राई कल नौजवान गुलाम मुस्तफा मीरानी के भी अस्पताल में गुम कर छोड़ो। आज़म सुरयाणी ते पुलिस तशद्दुद खिलाफ़ सहाफिन जो एहतजाज। SHO के हटाने जो मुतालबो। SSP घोटकी मामले जो नोटिस वर। कश्मीर में वहशत जो निशानो बढ़ल। मासूम नींगरी अलीशा जो कराची जी NICH में इलाज जारी। सनस हालत बदस्तूर खराब। मासूम अलीशा के इंसाफ दियारण में सिंध में इंसाफ दियारण लाए सिंध में लड़िया लुट के वधंदड़ वाक्यन में खिलाफ तंगवाणी समेत बेन शहर में कौम परस तंजीमन सिविल सोसाइटी के सर से एहतजाजी मुजाहरा। शिकारपुर के दहशतगर्दी टोड़ अदालत वाक़े में गिरफ्तार जवाबदार खैरुल्ला बुगटी के 3 ढीन के जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले कर छोड़। उमरकोट के इलाके सामारो में जालिम मुड़स मामूली गाल तशद्दुद कर जाल के घर कढ़ी छोड़ो। जलाल शाह कॉलोनी वासण डिनी कोहली जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। वारसन जो एहतजाज।
अमेरिका की सदारती चूंडन में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन की कामयाबी खिलाफ वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप के हामिन की रैली। मच्छरल मुजाहरीन जो पुलिस से चकरियों केतरा ही गिरफ्तार। मुजाहरीन जो चवण है तो जो बाइडन की कामयाबी धांधली जो नतीजो है। डोनाल्ड ट्रंप भी गाड़ियों के काफिले में रैली में पहुंची वो। मुजाहरीन जो जोश वधा। पॉप म्यूजिक के किंग माइकल जैक्सन की धी पेरिस जैक्सन जो पेरियो म्यूजिक एल्बम विल्टेड रिलीज थी वो। माइकल जैक्सन की न्याणी के पी जेतरी मोट न मिली सकी। अस्सलाम वालेकुम टाइम न्यूज़ सगत मैं हमीर शेख हेडलाइन जवान दिखूँ तफसली खबरों ब्रेक खबरों।